गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ठीक है, आज अपन लॉजिक का तीसरा लेक्चर देखने वाले हैं। इसके पहले लेक्चर में अपन ने देखा था कि पहले लेक्चर में अपन ने कनेक्टिव्स देखा था, है ना। स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, उसके बाद सेंटेंस किसको बोलते हैं, स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, वो सब देखा था। सेकेंड लेक्चर में अपन ने कनेक्टिव्स देखा था, एंड मतलब क्या होता है, उल्टा भी होता है, और मतलब क्या होता है, सीधा भी होता है। इफ और देन अगर है तो सिंगल एम्प्लॉइज होता है, ठीक है। इफ और If and only if अगर है तो डबल इंप्लाइज बोलते हैं अपन उसको, ठीक है। तो डबल एरो से अपन डिनोट करते थे, वो सब चीजें अपन ने देखी थी। क्वेश्चन नंबर 2 तक पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 अपन ने देखा था। आज अपन क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलेंगे, लेकिन उसके लिए पहले अपने को ट्रूथ टेबल देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल में सबसे पहले क्या रहता है, अपन ने देखा कि एंड मतलब क्या होता है, एंड मतलब क्या होता है, उल्टा भी होता है। और उल्टा भी अगर बोला, उल्टा भी का मतलब ही अगर अपन पढ़ेंगे तो कंजंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंजंक्शन, ठीक है। तो इसमें ट्रूथ वैल्यूज देखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने पास दो स्टेटमेंट रहेगा। जनरली स्टेटमेंट को अपन पी क्यू आर से डिनोट करते हैं। अगर एक स्टेटमेंट बोला तो पी आएगा, दो स्टेटमेंट बोला तो क्यू आएगा, तीन स्टेटमेंट बोला तो पी क्यू आर आएगा, ठीक है। अगर दो स्टेटमेंट है तो ट्रूथ वैल्यू कितनी आएगी, दो स्टेटमेंट अगर है, सपोज दो स्टेटमेंट अगर है तो ट्रूथ वैल्यू कितनी आएगी, चार आएगी, है ना। अब ट्रूथ वैल्यू मतलब ट्रूथ वैल्यू क्या होती है, ट्रू या तो फॉल्स होती है, ट्रू या तो फॉल्स। तो पॉसिबिलिटी दो की है और स्टेटमेंट भी कितने, दो है। पॉसिबिलिटीज भी दो है और स्टेटमेंट भी कितने, दो है। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 की पावर 2 लिखा। क्या लिखा, 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 मतलब कितना आएगा, 4 आएगा। अगर मैं यहाँ पे तीन स्टेटमेंट की बात करता हूँ, मतलब मेरे स्टेटमेंट में अगर तीन वेरिएबल दिखते हैं, पी क्यू आर अगर दिखता है, पी क्यू आर अगर दिखता है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, स्टेटमेंट अगर तीन अगर है तो ट्रूथ वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। इतना है रखो, दो स्टेटमेंट है तो ट्रूथ वैल्यू 4 की आएगी, तीन स्टेटमेंट है तो ट्रूथ वैल्यू 8 की आएगी, 8 की आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्रूथ टेबल में सबसे खास बात क्या आया करने का, अभी भी दो ट्रूथ वैल्यू रहेगी तो 10th स्टैंडर्ड में अपन प्रोबेबिलिटी करके चैप्टर अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, दो बार टी लिखेंगे, दो बार क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, और दो बार फॉल्स लिखेंगे। ये अपने को हर एक टेबल में लिखना है, दो बार टी और दो बार फॉल्स, एक बार टी एक बार फॉल्स, एक बार टी एक बार फॉल्स, ऐसा मैंने लिख लिया, ठीक है। अब एंड क्या बोलता, एंड की तरफ ध्यान देना, एंड मतलब क्या होता, उल्टा भी। और उल्टा भी क्या बोलता, अगर एक भी अगर एफ है तो आंसर कितना आएगा, एफ आएगा। एक भी अगर F है तो आंसर F आएगा, ठीक है। अपने को F को सर्च करना है कि F है क्या, ठीक है। तो मुझे बताओ इन दोनों में F है क्या, नहीं है। तो जब F नहीं रहेगा तो T लिखेंगे। अच्छा इसमें देखो F दिख रहा क्या, इसमें F दिख रहा, मतलब यहाँ पे मैं F लिखूंगा, ठीक है। इसमें भी F दिख रहा है, दोनों में कहीं तो भी एक जगह भी F अगर दिखा, मतलब अगर तुमको F दिखा तो तुमको F लिखना है, ठीक है। इसमें F दिख रहा तो यहाँ पे भी अपन क्या लिखेंगे, F लिखेंगे। उसके बाद फिर इन दोनों में तो दोनों जगह F दिख रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे, F दिख गया मतलब F लिख गया। इसमें F नहीं दिख रहा इसलिए मैंने T लिखा, इसमें F है तो अपन ने F लिखा, इसमें भी अपन ने F लिखा, इसमें भी अपन ने F लिखा, क्योंकि इसमें F है, इसमें भी F है, और इसमें भी कहीं ना कहीं F दिख रहा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखने का, उल्टा भी अगर है तो अपने को क्या देखना है, F देखना है, ठीक है। अब सीधे भी की बात करते हैं, सीधा भी मतलब क्या होता है, सीधा भी मतलब और होता है, और को अगर अपन पढ़ेंगे तो डिसजंक्शन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन में भी सेम कैसे, दो ट्रूथ वैल्यू दो स्टेटमेंट रहते हैं, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, दो बार टी लिखेंगे और दो बार क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। दो बार टी लिखा और दो बार फॉल्स लिखा, एक बार टी एक बार फॉल्स, एक बार टी एक बार फॉल्स। देखो इसमें भी मैंने वही लिखा था, इसमें भी मैंने वही लिखा, ठीक है। बट अब चेंजेस काम करोगे, देखो सीधा भी बोला, उल्टा भी बोला रहता मतलब F देखा, और सीधा भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे T देखेंगे, क्या देखेंगे, सीधा भी मतलब T, उल्टा भी मतलब F, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बताओ क्या इन दोनों में T दिख रहा है, T दिख रहा है, इसमें T दिख रहा है तो अपन यहाँ पे T लिखेंगे, इसमें भी T दिख रहा है क्या, इसमें भी T दिख रहा है तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, T लिखेंगे। इसमें भी T दिख रहा है, एक जगह भी T अगर है, दोनों में से एक जगह भी T है तो अपन T लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे भी T आ गया, इसमें टी दिख रहा क्या, इसमें तो टी नहीं दिख रहा, तो जब टी नहीं दिख रहा तो फिर अपन क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉल्स। पहले टी देखना है और टी नहीं दिख रहा तो फिर फॉल्स लिखना है, ठीक है। पहले फॉल्स देखना है और फॉल्स नहीं दिख रहा तो फिर टी लिखना है, ठीक है। अब तीसरा जो कनेक्टिव्स है, तीसरा कनेक्टिव्स क्या होता है, सिंगल इंप्लाइज,
तीसरा मैंने किस किया है, सिंगल इंप्लाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सब चीजें अपने को याद हो जाएगी, ये भी अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ पे गड़बड़ होती है, जब अपन ट्रूथ टेबल के जब प्रॉब्लम्स आगे देखेंगे तो इस चीज की तरफ अपने को अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंगल इंप्लाइज मतलब क्या होगा, सिंगल इंप्लाइज मतलब प्रॉब्लम या तो स्टेटमेंट में ई फॉर देन अगर है तब सिंबॉलिकली अपन ऐसा लिखेंगे। अच्छा, ई फॉर देन का मतलब ही क्या होता है, कंडीशनल होता है, क्या होता है, कंडीशनल। जैसे वहां पे मैंने कंजंक्शन लिखा, यहाँ डिस्जंक्शन लिखा, वैसे यहाँ पे क्या रहेगा, कंडीशनल रहेगा। लोग इसको कंडीशनल को अपन इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इम्प्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सेम जैसे इसमें देखते हैं अपन क्या रहेगा, इसमें खास बात क्या रहेगी, फिर से मैं वही लिखूंगा, दो बार टी लिखूंगा, दो बार फॉल्स लिखूंगा, एक बार टी एक बार फॉल्स, एक बार टी एक बार फॉल्स, मैंने ऐसा लिख लिया, दो बार टी दो बार फॉल्स, एक बार टी एक बार फॉल्स, एक बार टी एक बार फॉल्स, ये लिखा। अब सिंगल इंप्लाइज क्या बोलता, एंड क्या बोलता था, एफ देखो, और क्या बोलता था, टी देखो। सिंगल इंप्लाइज क्या बोलता, सिंगल इंप्लाइज ये बोलता कि अगर वो टर्म सिमिलर अगर है, कैसी है, सिमिलर है, तो सिमिलर अगर है तो तुमको टी लिखना है। जैसे सिमिलर का मतलब क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं सिमिलर, सिमिलर मतलब यहां पे क्या आएगा, टी टी, मैंने क्या बोला, टी टी, ठीक है, टी और टी रहा या तो एफ और एफ रहा, टी और टी रहा या तो एफ, देखो टी और टी मतलब सिमिलर है, एफ और एफ सिमिलर है, तो इस केस में सिमिलर वाली टर्म को हमेशा क्या लिखना है, टी लिखना है, सिमिलर वाली टर्म को हमेशा क्या लिखना है, टी, मतलब टी टी बराबर भी क्या होगा, टी होगा, और एफ एफ बराबर भी क्या होगा, टी होगा, सिंगल इंप्लाइज में, कहां पे, सिंगल इंप्लाइज में। अच्छा, डिफरेंट वाली टर्म क्या होगी, अगर मैं डिफरेंट वाली टर्म अगर देखूंगा, जैसे टी से अपन एफ में जा रहे या तो एफ से टी जा रहे, देखो ये दोनों डिफरेंट है ना, ये टी और ये एफ, ये टी, ये एफ और ये क्या है टी, अगर इस टाइप का रहा तो इस केस में अपन एंडिंग वाली टर्म देखेंगे, कौन सी टर्म देखेंगे, एंडिंग वाली टर्म की लास्ट में क्या मिल रहा, ठीक है। तो सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि मैं टी से एफ के तरफ जा रहा हूँ, कहां पे जा रहा हूँ, टी से एफ के तरफ, टी से एफ के तरफ, तो एंड में क्या मिला, एफ मिला, एंड में अगर एफ मिलेगा तो इसका आंसर कितना आएगा, एफ आएगा। अच्छा, यहाँ पे तो मैं एफ से टी की तरफ जा रहा हूँ तो लास्ट में क्या मिलेगा, टी मिलेगा, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, टी, मतलब सिंगल सिंगल इंप्लाइज वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जनरली यहाँ पे ही मिस्टेक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चीजों को अच्छे से ध्यान देके पढ़ना है कि सिंगल इंप्लाइज है ना, तो अपन कहाँ से कौन से स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट में जा रहे वो मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे, पहली बात मुझे बताओ ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, सिमिलर दिख रहे, सिमिलर अगर दिखा तो क्या लिखेंगे अपन, टी लिखेंगे, यहाँ टी लिखा, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, लेकिन अपन टी से एफ के तरफ जा रहे, मैं टी से क्यू के तरफ जा रहा हूँ, मैं टी से क्यू के तरफ जा रहा हूँ, तो टी से मैं एफ के तरफ जा रहा हूँ, तो एंडिंग में क्या मिलेगा, एफ मिलेगा, तो यहाँ पे मैंने एफ लिखा। अच्छा, ये एफ से टी की तरफ जा रहे, कहाँ पे जा रहे, एफ से टी की तरफ, तो एफ से टी की तरफ अगर जाएंगे ना तो लास्ट में क्या मिलेगा, टी मिलेगा, ठीक है। तो एंडिंग वाली टर्म क्या मिल रही है अपने को, एंडिंग वाली टर्म अगर अपन देखेंगे तो टी मिल रही है। अच्छा, ये एफ और ये भी एफ है, F और F मतलब सिमिलर, तो सिमिलर अगर रहेंगे तो क्या लिखेंगे अपन, T लिखेंगे, ठीक है। मतलब अपन ने सिंगल इंप्लाइज में क्या देखा, ये दोनों सिमिलर था तो T लिखा, ये दोनों भी सिमिलर है तो T लिखा, ये डिफरेंट है तो एंडिंग वाली टर्म लिखा F, ये डिफरेंट है तो एंडिंग वाली टर्म लिखा F, सॉरी डिफरेंट है तो एंडिंग वाली टर्म क्या आ गई, टी आ गई, ठीक है। अब ये तो सिंगल इंप्लीकेशन की कंडीशन होगी, ऐसे डबल इंप्लीकेशन की भी कंडीशन है, डबल एरो डबल इंप्लाइज, इसका मतलब ये कब डिनोट कर दे, जब किसी स्टेटमेंट में इफ एंड ओनली इफ लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, इफ एंड ओनली इफ। अच्छा, इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, डबल इंप्लीकेशन होता है, डबल इंप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, बाय कंडीशनल, जैसे कंडीशनल हो गया वैसे बाय कंडीशनल, इंप्लीकेशन हो गया तो डबल इंप्लीकेशन, इस टाइप का अपन बोलते हैं, यहाँ पे डबल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो फिर से दो बार टी लिखेंगे और दो बार क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे, एक बार टी एक बार फॉल्स, एक बार टी एक बार फॉल्स, ऐसा मैंने लिख लिया। अच्छा, डबल डबल इंप्लीकेशन क्या बोलता, डबल इंप्लाइज क्या बोलता, वो देखते हैं। यहाँ पे सेम वैसे अपन क्या करेंगे, सिमिलर अगर है, क्या है, सिमिलर अगर है तो अपन क्या करेंगे, टी टी बराबर क्या आएगा और एफ एफ बराबर, तो सेम आएगा, जैसा यहाँ पे किया बिल्कुल यही आएगा, सिमिलर सिमिलर है तो क्या लिखेंगे अपन, टी लिखेंगे, सिमिलर सिमिलर है तो क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, और जैसे टी टी बराबर टी एफ एफ बराबर भी कितना आएगा, टी आएगा, जैसा इंप्लीकेशन पे था वैसे ही
डबल इंप्लीकेशन में भी सेम है, लेकिन यहां पे डिफरेंट की अगर बात करेंगे, डिफरेंट मतलब टी एफ, या तो एफ टी की अगर मैं बात करता हूं, टी एफ या तो एफ टी की बात करेंगे तो डिफरेंट है, और डिफरेंट अगर है तो ये बिल्कुल फॉल्स निकलेगा। यहाँ पे डिफरेंट था तो एनडी पर रिटर्न देगा, यहाँ पे डिफरेंट है तो अपन ने क्या देखा, फॉल्स देगा। डिफरेंट है तो बिंदास फॉल्स लिखने का, सिंगल इंप्लाइज में डिफरेंट है तो एंडिंग वाली टर्म देखना पड़ेगा, और डबल इंप्लीकेशन अगर है तो डिफरेंट है तो डायरेक्टली फॉल्स लिखेंगे। तो ये टेबल अपने को अच्छे से याद होना चाहिए, सब समझने वाले। कंजंक्शन बोला मतलब एफ, डिसजंक्शन बोला मतलब उल्टा, सीधा भी बोला मतलब टी, कंडीशनल बोला मतलब सिंगल इंप्लाइज बोला तो सिमिलर वाली टर्म टी आएगी, डिफरेंट वाली टर्म का एंडिंग वाला पोर्शन देखना पड़ेगा। डबल इंप्लाइज अगर बोला तो सिमिलर सिमिलर मतलब टी सिमिलर है तो टी आएगा, ये भी एफ एफ है तो ये भी सिमिलर है तो टी आएगा, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है तो ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा, और ये भी कितना आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये अपन ने लिख लिया। इसके बाद एक और है, ये फिफ्थ नंबर अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट, नॉट मतलब क्या होगा, नेगेशन, नेगेशन मतलब यहाँ पे टी है तो फॉल्स लिखेंगे, फॉल्स है तो क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, फॉल्स है तो टी लिखेंगे, टी है तो फॉल्स, फॉल्स है तो टी, ऐसा अपन ने लिख लिया। चेतन बाबू मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने देखा कि नेगेशन मतलब क्या होगा, नॉट, नॉट मतलब क्या आएगा, ऐसा साइन है ना, इक्विवेलेंस की साइन है ये, कॉन्ग्रुएंट बोल सकते इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन बोलेंगे ऐसा है मतलब नॉट है, नॉट है मतलब उसको अपन नेगेशन बोलेंगे, और नेगेशन में एक ही स्टेटमेंट रहेगा, उस स्टेटमेंट का नेगेटिव बनाना है, मतलब अगर टी अगर है तो नेगेशन टी लिख रहे अपन, अच्छा टी है तो फॉल्स लिखने का, फॉल्स है तो टी लिखने का, मतलब ट्रू है तो फॉल्स आएगा, फॉल्स है तो ट्रू आएगा, ऐसा करके अपन देखेंगे, ठीक है। तो अपन ने देखा कंजंक्शन देखा उल्टा भी, डिसजंक्शन देखा मतलब सीधा भी, कंडीशनल देखा मतलब सिंगल इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन भी अपन ने देखा, उसके बाद फिर नॉट देखा। ये पांच टाइप के कनेक्टिव्स के ट्रुथ टेबल अपने को अच्छे से थरोली याद होने चाहिए, याद नहीं मतलब अपने को समझ के याद करना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा कंजंक्शन बोला मतलब एफ आएगा, डिसजंक्शन बोला तो टी देखने का, सिंगल इंप्लाइज अगर है तो सिमिलर वाली टर्म टी आएगी, डिफरेंट वाली टर्म फॉल्स आएगी, डबल इंप्लीकेशन है तो सॉरी डबल बाय कंडीशनल अगर है, डबल इंप्लीकेशन है तो सिमिलर वाली टर्म टी आएगी और डिफरेंट वाली टर्म फॉल्स आएगी। सिंगल इंप्लीकेशन की अगर मतलब बात करेंगे तो सिमिलर वाली टर्म टी आएगी, डिफरेंट वाली टर्म का एंडिंग वाला पोर्शन देखेंगे। ये सब अपन ने देख लिया था। अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू पहली एक्सरसाइज का हो गया, अब मैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर थ्री में देखेंगे तो क्या बोल रहा हूँ, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब जैसा क्वेश्चन नंबर टू अपन ने सॉल्व किया है सेम वैसे क्वेश्चन नंबर थ्री भी अपन सॉल्व करेंगे, जैसा क्वेश्चन नंबर टू अपन ने सॉल्व किया बिल्कुल क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे, लेकिन इसमें ट्रूथ वैल्यू भी बतानी है कि क्या वो ट्रूथ वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखो यहाँ पे पहला प्रॉब्लम अपन ले रहे, फोर इज ऑड नंबर, क्या बोला, फोर इज ऑड नंबर और वन इज प्राइम नंबर, तो मैं पहले वाले जो स्टेटमेंट है उसको मैंने पी कंसिडर किया, पी बराबर फोर इज ऑड नंबर और यहाँ पे वन इज प्राइम नंबर, वन इज प्राइम नंबर को मैंने क्यों बोला, मुझे बता फोर इज ऑड नंबर है क्या, फोर इज नॉट अ ऑड नंबर, फोर तो इवन नंबर है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एफ लिखा, वन इज प्राइम नंबर, ये भी गजल फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म, इसको मैंने पी बोला, इसको मैंने क्या बोला, क्यू बोला, इसको मैंने पी बोला, इसको मैंने क्यू बोला, बीच में और है, और मतलब क्या आएगा, सीधा भी, और मतलब सीधा भी, तो अपने यहाँ पे और में सीधा भी लिख लिया। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी फॉल्स है, इसके बीच में कनेक्टिव्स क्या आया, सीधा भी आया, और अपन ने देखा था कि सीधा भी में क्या देखना पड़ता, सीधा भी में टी देखना पड़ता, सीधे भी में क्या देखना पड़ता, टी देखना पड़ता, तो क्या इस दोनों में टी है क्या, नहीं है, जब टी नहीं है तो क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे, मतलब फाइनली इसका रिजल्ट ट्रुथ वैल्यू क्या मिल गई अपने को, फॉल्स मिल गई, हेंस द ट्रुथ वैल्यू इज कैपिटल एफ, ऐसा करके अपन ने बोल दिया। आगे देखते हैं सेकेंड प्रॉब्लम, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, पहला स्टेटमेंट है 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज अ प्राइम नंबर, 46 इज अ प्राइम नंबर, तो जो पहला स्टेटमेंट है उसको मैंने पी कंसिडर किया, जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको मैंने क्यू कंसिडर किया, तो मुझे बताओ क्या 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या,
64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसका हम स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। जैसे 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा, 8 और 64 8 आ गया, ठीक है। अगर मैंने वहां पे बोला 64 की जगह में 49 बोला, उसका भी स्क्वायर रूट निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट इसी ट्रू है, तो मैंने टी लिखा। उसके बाद 46 इज अ प्राइम नंबर, नहीं प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये तो 2 से डिवाइड होता है, ये तो इवन नंबर होना चाहिए, मतलब ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। पहला जो स्टेटमेंट है वो पी कंसिडर किया, दूसरा स्टेटमेंट है वो क्यू आया। अपन ने देखा कि एक स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी स्टेटमेंट किसी फॉल्स है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में अपन क्या लिखेंगे, जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से यहाँ तक उसको मैंने पी बोला, और जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको मैंने क्यू बोला, और बीच में कनेक्टिव्स क्या है, बीच में कनेक्टिव्स तो एंड है। एंड मतलब क्या है, उल्टा भी, एंड मतलब उल्टा भी। तो अब अगर अपन देखेंगे जो पहला स्टेटमेंट है उसको टी बोला है, जो पहला स्टेटमेंट है उसको टी बोला, और जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको फॉल्स बोला। अच्छा, एंड का जो ट्रूथ टेबल तुम लोगों ने पढ़ा था, एंड का जो ट्रूथ टेबल अभी अपन ने देखा थोड़ी देर पहले, एंड क्या बोलता, एंड ये बोलता कि एक भी अगर एफ है तो आंसर एफ आएगा। एंड क्या बोलता, एक भी अगर एफ है तो आंसर कितना आएगा, एफ आएगा, तो इसका फाइनल आंसर एफ आएगा। हेंस द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, हेंस द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये अपन ने लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे, यहाँ पे 5 इज अ प्राइम नंबर, मैंने क्या बोला, 5 इज अ प्राइम नंबर, एंड 7 डिवाइड्स 94, पहले वाले को मैंने पी कंसिडर किया, दूसरे वाले को मैंने क्यू कंसिडर किया, 5 इज प्राइम नंबर बोला उसने, क्या बोला, 5 इज प्राइम नंबर, क्या बोला, 5 इज प्राइम नंबर। मुझे बताओ 5 प्राइम नंबर है क्या, है, 5 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, क्योंकि वो 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर कुछ ना कुछ कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो पहला स्टेटमेंट है उसको टी लिखा, जो दूसरा स्टेटमेंट है, पॉसिबल है कि 7 को डिवाइड बाय 94, पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा, फॉल्स होगा। पहला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, पहले वाले को पी बोला, दूसरे वाले को क्यू बोला, बीच में कनेक्टिव्स क्या है, एंड है। एंड मतलब क्या आएगा, उल्टा भी आएगा, एंड मतलब उल्टा भी आएगा। आप इसकी ट्रूथ वैल्यू अगर देखेंगे, जो पहला स्टेटमेंट है उसको टी लिखा, जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको मैंने फॉल्स लिखा, बीच में कनेक्टिव्स एंड है। एंड क्या बोलता, एक भी अगर एफ है तो आंसर एफ आएगा, एक भी, इन दोनों में से एफ है क्या, है, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, एफ आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर हेंस द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ऐसा करके लिख लिया। अब देखो ये क्वेश्चन, ठीक है, 2 राइट मारो, 3 राइट मारो, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपने को देखो, इट इज नॉट ट्रू दैट, मतलब ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, एक तरह से नॉट है। इट इज ट्रू दैट मतलब क्या है, इट इज नॉट ट्रू दैट कहीं भी रहेगा, मतलब वो होल स्टेटमेंट का नेगेशन है, होल स्टेटमेंट का क्या है, नेगेशन है। तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 5-3i इज अ रियल नंबर, मैंने ऐसा लिख लिया, मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट तो एक ही है, ये तो यहाँ से यहाँ तक नॉट दिया हुआ तुम लोगों को, इट इज नॉट ट्रू दैट, इसका मतलब ये स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट तो यहाँ से चालू हो रहा कि 5-3i इज अ रियल नंबर। तो मैंने पी में लिखा 5-3i इज अ रियल नंबर, जो कि अपन ने देखा कि ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये स्टेटमेंट कैसा फॉल्स है। और देखो ये प्रॉब्लम में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, ये प्रॉब्लम में एक ही स्टेटमेंट है, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, जो भी स्टेटमेंट लिया उसके सामने में इट इज नॉट ट्रू दैट, मतलब 5-3i इज अ रियल नंबर बोला है, मतलब इसको मैंने p बोला, और इसके सामने में इट इज नॉट ट्रू दैट लगा, मतलब मैंने नेगेशन लगाया, कहीं भी इट इज नॉट ट्रू दैट लगा है, मतलब उस केस में अपन क्या करेंगे, नेगेशन का साइन लगाएंगे, होल नेगेशन लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे, होल नेगेशन। मैंने यहाँ पे नेगेशन p लिखा। अच्छा, इसका ट्रूथ वैल्यू, जो जो स्टेटमेंट का कैसा फॉल्स है, क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसने रियल नंबर बोला, मतलब ये फॉल्स है। अच्छा, ये फॉल्स है तो फॉल्स का नेगेशन भी आपने देखा, फॉल्स का अपोजिट कितना आएगा, नेगेशन ऑफ एफ, मतलब क्या आएगा, टी आएगा, हेंस द ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी, ठीक है। लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन अपन देखते, 3 × 5 इक्वल्स टू कितना आएगा, 8 आएगा, एंड सॉरी, इफ 3 × 5 इक्वल्स टू 8, देन 3 + 5 इक्वल्स टू 15, मतलब इफ और देन अगर है तो सिंगल इंप्लाइज आएगा, इफ और देन अगर है तो सिंगल इंप्लाइज आएगा,
तो पहले वाले स्टेटमेंट को मैंने पी बोला, दूसरे वाले स्टेटमेंट को मैंने फॉल्स बोला, ठीक है, सॉरी, जो पहले वाले को मैंने पी बोला, दूसरे वाले को मैंने क्यू बोला, पहला जो स्टेटमेंट उसको मैंने पी बोला, तो दूसरा स्टेटमेंट है उसको मैंने क्यू बोला, तो मुझे बताओ 3 × 5 करेंगे तो 15 होगा इसमें, तो 8 दिया मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। अच्छा 3 + 5 करेंगे तो 8 होगा, लेकिन इसने 15 दिया मतलब ये भी स्टेटमेंट कैसा, फॉल्स है। अच्छा ये दोनों फॉल्स है, तो अब देखो मैं सिंबॉलिक फॉर्म में क्या बोलता हूँ, कभी भी ई फॉर देन अगर दिया है, कभी भी प्रॉब्लम में ई फॉर देन दिया है तो सिंगल इंप्लाइज लगाओ। पहला स्टेटमेंट क्या है, ये वाला था, इसको मैंने पी डिनोट किया, तो दूसरा स्टेटमेंट है उसको क्यू डिनोट किया, मतलब 3 × 5 = 8 इफ, और उसके बाद देन लगाने का, क्यू पे क्या है 3 + 5 = 15, ऐसा सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अब मैं इसकी ट्रूथ वैल्यू की बात करूंगा, तो जो पी है उसको मैंने क्या बोला, फॉल्स बोला, और जो क्यू है वो भी फॉल्स बोला। सिंगल इंप्लाइज में आपने ये पढ़ा है कि सिमिलर सिमिलर अगर रहा तो टी आएगा, ये भी सिमिलर है तो क्या आएगा, टी आएगा, और डिफरेंट अगर रहा तो एंडिंग वाली पोर्शन देखना पड़ेगा। सिंगल इंप्लाइज में आप लोग क्या करेंगे, सिमिलर वाली टर्म रही तो सिमिलर वाली टर्म रही तो टी लिखने का, डिफरेंट वाली टर्म रही तो एंडिंग वाली टर्म देखने का, ये तो दोनों सिमिलर है इसका आंसर तो टी आएगा, अगर ये टी आ गया तो हेंस द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज टी आएगा, ठीक है, ऐसा लिख लिया आपने।